तो बच्चों, इस वीडियो में हम मुसल्लस का दाखली दायरा बनाना सीखेंगे। हमारे सामने एक मिसाल है, मौजूद है। देखिए, आप इस वक्त मुसल्लस पी क्यू आर इस तरह बनाइए कि जिसमें पी क्यू की कीमत 6 सम है, ज़ाविया क्यू जो है 35 दर्जे है, और क्यू आर की जो कीमत है 5.5 सम है। तो हमें कहता है कि मुसल्लस पी क्यू आर का दाखली दायरा बनाइए। देखिए, कभी भी कोई कंस्ट्रक्शन या कोई हिंदसी अमल हमें अंजाम देना होता है तो एक रफ़ शक्ल हमारे सामने होना बेहद ज़रूरी है। तो फिलहाल यहाँ पर ये हलकर्दा मिसाल है, इसको ही हम बनाना सीखेंगे किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए, रफ शक्ल यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, तो हमें इसे देखकर ही जो है इसका दाखिले दायरा बनाना है। सबसे पहले जिस तरह से हमें बोला गया है कि कच्ची शक्ल के अंदर कि पी क्यू जो है वो 6 सम का है, तो हम क्या करेंगे, स्केल में 6 सम का फासला स्केल की मदद से इस तरह से ले लेंगे। देखिए, 6 सम का फासला ले रहे हैं हम यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से पहले 6 सम का फासला लेना है। ले लिए, इसका नाम है पी क्यू, है ना, 6 सम इस तरह से लिख देंगे। अब इसके बाद हमें 5.5 सम का यहाँ से आर क्यू लेना है, जिस तरह से आप देख रहे हैं शक्ल के अंदर। तो 5.5 सम की लंबाई पहले इस तरह से प्रकार की मदद से, स्केल की मदद से ले लीजिए। प्रकार में देखिए, ये हमने ले लिया 5.5, यहाँ रखेंगे, इस तरह से आप कता करेंगे ऐसे। और हमें जो जाविया क्यू बोला गया है वो दिया गया है 35 दर्जे, तो हम क्या करेंगे, चांदी की मदद से जाविया इस पॉइंट क्यू पर रखेंगे ताकि जाविया क्यू की निशानदेही हो सके। तो हम क्या करेंगे, जाविया क्यू लेना है ना, तो इस तरफ से गिनेंगे, तो कितना है जाविया, 35 है। तो 35 है मतलब देखो, 0, 10, 20, 30, और ये 35, तो इस तरह से ये जो है हम यहाँ पर जाविया खींच लेंगे। देखिए, इस तरह से आगे भी थोड़ा बढ़ा देंगे, और हमारे जो प्रकार में 5.5 सम का जो कता था उसको इस तरह से थोड़ा सा और कता कर देंगे, है ना। अब हमें जो जाविया पी की कीमत नहीं दी गई है और ना ही पी आर की दी गई, ये जो पॉइंट मिला है ये पॉइंट आर मिला है, तो इससे हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से, आर को क्यू से ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद बच्चों, अब हमें दाखिली दायरा बनाने के लिए दो जावियों की तंसीब करना पड़ती है, दो जावियों का नासिब खींचना होता है। तो कोई भी दो जावी का नासिब हम खींच सकते हैं। देखिए किस तरह से हम ये कायदे पर के जो दो जावी है ना, पी और क्यू, इनका नासिब खींचेंगे। किस तरह से करते हैं, देखिए ये काम जो है अंदाजन हो रहा है, प्रकार में अंदाजन फासला लेकर इस तरह से एक ऐसे कॉस बनाना है आपको, इस तरह से, है ना, इस तरह से दोनों तरफ आप इस तरह से बना लीजिए, ऐसे बना लो आप। अब थोड़ा सा प्रकार को है थोड़ा सा फैला दो इस तरह से, थोड़ा सा फैला दो इस तरह से अंदाजन। अब जो है इस कॉस ने आर क्यू को जहाँ कट किया है वहाँ पर रख के एक कॉस बनाओ अंदर की जानी इस तरह से, ऐसे, है ना। और फिर बाद में यहाँ पर प्रकार के नो रखिए और एक कॉस इस तरह से बनाइए, और बिल्कुल पॉइंट क्यू से गुजरता हुआ इस कोसाइन के बीचों बीच से के नुकात से, बीचों बीच के नुकात से गुजारिए इस तरह से, ऐसे गुजार दिए बिल्कुल इस तरह से। इस कॉस पे भी रख के हमें ऐसे ही करना है। देखिए यहाँ पर रखेंगे, इस कॉस ने जो पी क्यू को जहाँ कता किया है वहाँ पर ऐसे रखेंगे और एक कॉस बनाएंगे ऐसे, ध्यान से बनाइए हाँ। फिर बाद में इस कॉस ने पी आर को जहाँ कता किया है वहाँ पर प्रकार की नोक रख के इस तरह से उस कॉस को कट करेंगे। देखिए इस तरह से कट कर दिए। अब पॉइंट पी और ये कॉसन के बीच में से एक ऐसा कता गुजारेंगे यहाँ से, ध्यान से बनाइए, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, नॉर्मली दाखिले दायरा किसी का फिर बनता नहीं है। अब देखिए, दोनों नासिक ने एक दूसरे को जहाँ कता किया है उसको मरकज मानकर, उसको मरकज मानकर ऐसा दायरा बनाइए जो तमाम ज़िलों को मस करता हुआ गुजरे। चलिए देखते बनाते हैं, देख इस तरह से, देखो बच्चों ये इस तरह से हमारा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि देखो यहाँ थोड़ा सा पेज का बड़ा मसला हो रहा है,
अदरवाइज ये दाखिली धारा बन चुका है हमारा। देखिए इस तरह से दाखिली धारा हमारा बनेगा और इस पॉइंट को, ये जो दायरे का जो मरकज है, ये इसे इन सेंटर कहते हैं, है ना। तो इसलिए आई से दायरे करते हैं और यहाँ पर जो है ना एक उमूद जो है ना ये बना सकते हैं हम, जिससे इसका निस्फ उत्तर हम नाप सकते हैं। और ये इस तरह से उमूद बनाएंगे तो इसका नाम पॉइंट एम दे दो, है ना। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं ये जाविया 35 दर्जे है, ये 5.5 सम है। तो इस तरह से जो हमारी शक्ल है यानी मुसलस का दाखिली दायरा यहाँ बन जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने दाखिली दायरा बनाया, बिल्कुल इसी तरह से आप भी दाखिली दायरा बनाइए जिसमें दो जावियों की तनसीब आपको करनी होगी, दो जावियों का नासिब आपको खींचना होगा और दोनों नासिबों की जो शुआएँ होंगी वो जहाँ भी एक दूसरे को कथा करेंगी उसको मरकज़ मानकर आपको ऐसा दायरा बनाना है जो तीनों ज़िलों को मस करता हुआ गुजरे। तो इस तरह से आप जो है मुसलस का दाखिली दायरा बना सकते हैं। अब एक बात ध्यान में रखिए कि मुसलस का दाखिली दायरा कब नहीं बनता है। जब भी कभी आपने जावियों में थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लिया या फिर जो कतात है आपके इसमें अगर प्रकार की ये जो फ्लेक्सिबिलिटी अगर बहुत ज़्यादा लूज़ है तो उसमें अगर ऊपर नीचे हो जाए लंबाई में या कॉसाइन में तो आपका ये गलत बन सकता है। तो इसके लिए बिल्कुल ध्यान रखें, बहुत मुश्किल से दाखिली दायरा बच्चों का बनता है। तो इसमें हमने आपको वजह बता दी कि किस वजह से नहीं बनता है, तो इसलिए आप ध्यान में रखें। आपके सामने हमने बनाया है और दाखिली दायरा बिल्कुल बना है जो तमाम ज़िलों को टच हो रहा है ना। तो इस तरह से आपको भी बनाना है, बहुत आसान है, ज़रा सी कलाकारी दिखानी है आपको इसके अंदर और आप मुसलस का दाखिली दायरा बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल और आसान। चलिए बच्चों, इसी तरह के मज़ीद तालीमी वीडियोज़ देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहे खान अकेडमी। शुक्रिया।